16 दिसंबर 2012 की रात एक ऐसा कांड हुआ जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तकरीबन 7 साल पहले इस भयानक कांड ने जिस निर्भया को जन्म दिया था, उसको इंसाफ आज भी नहीं मिल पाया है। दोषी लगातार कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं और देखते ही देखते 2 डेथ वारंट भी रद्द हो गए हैं। बस अब इंतजार है 3 मार्च के डेथ वारंट का, जिसे दोषी लगातार रद्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, जहां शुक्रवार को दोषी पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हुए फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी, वहीं अब निर्भया के एक और दोषी अक्षय ने अपनी नई चाल चल दी है। अक्षय ने राष्ट्रपति के पास फिर से दया याचिका भेजी है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति अक्षय की पहली दया याचिका खारिज कर चुके हैं, लेकिन अक्षय के वकील एपी सिंह का कहना है कि राष्ट्रपति ने जो दया याचिका खारिज की थी वो अपूर्ण थी, इसीलिए दोबारा लगाई है दया याचिका। राष्ट्रपति ने 5 फरवरी को अक्षय की दया याचिका खारिज की थी। वहीं अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा है कि जो याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की, उसे उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक हालात के जिक्र नहीं थे। एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि अक्षय की पूरी मर्सी पिटीशन लगाई है। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा है कि पहले वही मर्सी पिटीशन का भी जिक्र करिए, क्या आपने दोबारा मर्सी पिटीशन लगाई है। कोर्ट ने ये भी कहा है, पूरी याचिका लाओ, बेशक हाथ से लिख लाओ। इसके अलावा कोर्ट ने निर्भया के माता पिता के वकील से कहा है कि अगर एपी सिंह का लीगल अधिकार है तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब फांसी की तारीख टालने को लेकर सोमवार को सुबह 10 बजे पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।